नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। आज राम विलास पासवान जी की जो पार्टी है और आज यहां पर उन्होंने कैंडिडेट ज्वाइन करवाए हैं और आप मेरे साथ देख रहे हैं आशिक हुसैन जी जो एमएलए नाम से मशहूर हैं बारामूला में और आज यहां पर मौजूद हैं और आज इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते थे लेकिन वो पार्टी इन्होंने छोड़ दी है। सर, भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है जम्मू कश्मीर में और आपने उस पार्टी को छोड़ राम विलास पासवान जी की पार्टी ज्वाइन की, ऐसा क्यों? देखिए, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे लोग जो लोग कुछ लोगों की सोच है भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग जाते हैं जिनको पावर की जरूरत है, जिनको डेकन की जरूरत है, जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है। लेकिन आज इस जो आपने बात दोहराई है कि आप जो पावरफुल पार्टी है, जिनकी सरकार है, आप उसको छोड़ के लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत कर रहे हो। सबसे पहले हम किसी पावर के लिए किसी पार्टी में नहीं गए हैं। आज तक हमने लड़ा है, अपने दम पे लड़ा है, हमने किसी पावर पर नहीं लड़ा है। हम आज जिस पार्टी में आए हैं, यहाँ पे हमने जो मिशन देखा, जो विजन इस पार्टी का देखा, खासतौर हमारे जो रफीक मलिक साहब स्टेट प्रेसिडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनका विजन देखे और जो इनने बताया कि हम यहाँ के जवानों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम हर एक जिद्दोजहद करके जो आज 70 साल से अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो इंसाफ हम दिलवाएंगे। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, जंग करेंगे और इनको हक दिलवा के ही रहेंगे। सर, मैं देख रहा था वीडियो के माध्यम से आपने तिरंगा रैली भी बहुत बड़ी निकाली थी कश्मीर में। मैं बताऊं आपको, जब तिरंगा रिले घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा हमारे वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, हर घर घर तिरंगा इसकी रिले चलेगी और हर एक बच्चे के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि तिरंगा उठाने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता है, तिरंगा हमारे दिलों में है, हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी में तिरंगा इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट बारामूला का था, जहां पर अली मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान में जो है उसने तकरीर किया, बिंदास चौक में आशिक एमएलए ने वहां पे अपने हिंदुस्तान का अपना परचम लहराया। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो इस चीज को दिल में रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहां पर मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में इख्तदार का जंग है, कुर्सियों का जंग है, वो देश को मजबूत करने के लिए नहीं निकले हैं, वो अपने इस वतन के लिए नहीं निकल रहे हैं। आपने देखा हमारे आने वाले टाइम में हमारे इतने जवानों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानी ये दिया है, हम कैप्टन दीपक जी को कैसे भूलेंगे जो कुछ दिन में ही शहीद हुए हैं, और उस चीज को हम सलाम करते हैं। वो समझ के हमने तिरंगा हमारे दिलों में है, हम इनको इनकी कुर्बानियों को जाया होने नहीं देंगे अपने सियासत के लिए। हम इंशाल्लाह रहमान पहले अपने देश को मजबूत करना है, उसके बाद यहाँ के जवान को मजबूत करना है, उसके बाद यहाँ के माँ बहनों की सुरक्षा के लिए हमें लड़ना है, जो कि हमारे अभी भी हमें लगता है हमारी माँ बहन इधर सुरक्षा नहीं है। जैसे कि आपने देखा डॉक्टर साहिबा कलकत्ता में उसकी अस्मत लूटी गई, उसको कई लोगों ने रेप किया है, लेकिन अभी तक वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। सर, आशिक जी, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कश्मीर में काफी सारी पार्टियां हैं जी, क्या चिराग पासवान की ये पार्टी जगह बना पाएगी कश्मीर? मैं एक बात बताऊं, चिराग पासवान जी एक नौजवान लीडर है और वो इस जम्मू एंड कश्मीर का सोच देखने वाला लीडर है। चिराग पासवान इंशाल्लाह रहमान पूरी जम्मू कश्मीर में उनकी बारी अक्सरियत में उनके कैंडिडेट जीत के आ जाएंगे, क्योंकि 70 साल जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ इन पार्टियों ने धोखा किया है। आज जम्मू एंड कश्मीर के लोग नया चेहरा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, अपना वकार चाहते हैं। वो हमें अगर नजर आया, हमें चिराग पासवान जैसे नौजवान लीडर में नजर आया, आज उसी मिशन को लेके हमने अपने स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रफीक अहमद मलिक साहब के पास ज्वाइन किया और रफीक अहमद मलिक साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि उसने आज जो कैंडिडेट
नॉमिनेट किया है, ये मेरी ही बात नहीं है, उसने एक नौजवानों को इज्जत बख्शी है, उसने यहाँ के नौजवानों को एक प्लेटफार्म और ट्रैक दिया है और जो कि कहीं किसी पार्टी में नहीं मिल सकता है, जो कि यहाँ के भाजपा सरकार में भी नहीं मिल सकता है। वहां भी वही कैंडिडेट चाहिए जिनके पास पैसा हो, जिनके पास फैक्ट्रिया हो, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हो, और उनको वहां पे पद मिलेगा। और इस तरह हम जैसे लोगों को कभी मौका नहीं आता। आज हमें लोक जनशक्ति पार्टी में ये मौका मिला जो हमें कभी मिल नहीं सकता था। हम दिल से अपने स्टेट प्रेसिडेंट और अपने चिराग पासवान जी का शुक्रिया अदा करते हैं, नमन करते हैं कि आज हम जैसे लोगों को उन्हें एक प्लेटफार्म, एक मौका दे दिया। दोस्तों, ये थे आशिक हुसैन जी और MLA आशिक हुसैन जी। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार विधानसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में आई है, तभी से जो राजनीतिक हलचल है वो बढ़ चुकी है। और आप ये भी देख रहे हैं कि पार्टियां भी छोड़ी जा रही हैं, पार्टियां भी ज्वाइन की जा रही हैं। आपसी मतभेद के कारण या सीटें ना मिलने के कारण काफी सारे नौजवान इस पाले में आ रहे हैं और कुछ नौजवान उस पाले में जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मशहूर नाम MLA आशिक हुसैन आज यहाँ पर चिराग पासवान जी की पार्टी को ज्वाइन कर चुके और उनके साथ डेरों यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने यह पार्टी ज्वाइन की है। तो लगातार आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।